लोकसभा का चुनाव एकदम चरम पर चल रहा है और इसमें से सबसे खास बात यह है कि जिस क्षेत्र में मुसलमान ज्यादा है वहां पर वोटिंग ज्यादा से ज्यादा हो रही है और जहां पर हिंदुओं की संख्या ज्यादा है वहां पर वोटिंग बहुत कम हो रही है। इसके पीछे की वजह जानकर के आप हैरान हो जाएंगे, हालांकि बताएंगे। सबसे पहले यह देख लें कि कहां कहां पर ज्यादा और कहां पर कम हो रहा है। आसाम के अमरोली में मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा है और यहां पर वोटिंग हुआ 92.1%। वही गुजरात में आपका हिंदुओं की संख्या ज्यादा है लेकिन यहां वोटिंग मात्र 49.5% हुआ है। वही आप यूपी में देखेंगे तो संभल में जो है आपका मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा है और यहां पर जो है वोटिंग आपका 62.9% हुआ है, और आगरा में हिंदुओं की संख्या ज्यादा है लेकिन मात्र यहां 54.1% ही वोटिंग हो रहा है। जबकि अगर मैं आपका बात करूं बिहार की, तो बिहार के अररिया में आपका हिंदू और मुसलमान लगभग सेम है लेकिन यहां पर जो वोटिंग है 61.9% है, और आपका झरारपुर में हिंदुओं की संख्या ज्यादा है लेकिन वोटिंग यहां मात्र 54.5% है। यही हाल आपका बंगाल का भी है। अभी झारखंड में भी चुनाव होने वाला है, अब यहां का माहौल कैसा रहेगा वो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। हालांकि ये लोग जाकर के इतना अधिक वोटिंग क्यों कर रहे हैं, क्यों आखिर ये अपनी वोट की ताकत दिखाना चाहते हैं, और हिंदू क्यों अपने घर में दुबक के बैठे हुए और वो वोट देना नहीं चाहते, इसके पीछे की वजह बहुत सारे हैं। लेकिन कल ही एक रिपोर्ट आया है, वो रिपोर्ट है धार्मिक जनगणना के अनुसार किस किस धर्म का जनसंख्या जो है वो ज्यादा ज्यादा बढ़ा है और किसका जनसंख्या जो एकदम कम हो गया है। तो आपको बता दें ये जो रिपोर्ट आया है वो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल 1950 से लेकर के 2015 के बीच में किसके धर्म के लोगों ने कितना अधिक तैयारी की, यानी कि जनसंख्या ज्यादा हुआ और किसका कम हुआ। आप जानकर के हैरान हो जाएंगे कि हिंदुओं की जो संख्या है वो 8% कम हो गई है और जो मुसलमानों की जो जनसंख्या है वो 43.15% बढ़ चुकी है। और यह रिपोर्ट सिर्फ भारत देश के लिए लागू नहीं होता है बल्कि यह अक्रॉस द वर्ल्ड के लिए है। जो टॉप लेवल के वर्ल्ड में जो देश है उन सभी को यह डेडिकेटेड है। वहां पर भी माइनॉरिटी जो है वो आपके आगे बढ़ चुके हैं और जो बहुसंख्यक थे यानी मेजोरिटी में जो थे उनकी कम से कम 15% जनसंख्या वो लो हुई है। हालांकि भारत में जैन और पारसी दो ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या थोड़ी सी कम हुई है, बाकी किसी भी समुदाय की जनसंख्या कम नहीं हुई है। लेकिन इस्लाम यानी कि मुसलमानों की जनसंख्या इतना रैपिड फायर की तरह आगे जाएगा ये कोई सोचा ही नहीं था। इसके पीछे की वजह क्या है, इसके पीछे की वजह बहुत कुछ है। इसके पीछे की वजह क्या है, धर्म परिवर्तन। इसके पीछे की वजह पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से मुसलमान आ रहे हैं, अफगानिस्तान से मुसलमान आ रहे हैं, म्यांमार से मुसलमान आ रहे हैं, वो जाएंगे कहां, सब भारत में ही आ रहे हैं। नंबर तीसरा, इस्लाम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कि आपको संविधान को ज्यादा अहमियत देता ही नहीं है और वो अपने शरिया कानून से चलता है, उन्हें कोई मतलब नहीं कि कौन क्या हो रहा है क्या हो रहा है, बस इनको अपने पर्सनल बोर्ड से भी लेना देना है। नंबर फोर, एक समान कानून को ये बिल्कुल भी मान्यता नहीं देते। और सबसे मेन फैक्टर जो है वो है आपका नंबर फाइव, बहुपत्नी प्रथा। बहुपत्नी प्रथा क्या, एक इंसान एक मुसलमान एक से ज्यादा बीवी रख सकता है, इसलिए हम हिंदुस्तानी हम हिंदू क्या कहते हैं, हम दो हमारे दो ही सही, और ये कहते हैं हम पांच हमारे 25 सही। इनका गलत नहीं है, इनके पीछे वजह है क्योंकि इनका जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जिस प्रकार हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड होता है उसी प्रकार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, और यह धार्मिक मान्यता दे के रखा हुआ है कि एक मुसलमान एक से ज्यादा शादी कर सकता है, इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, और यही बात आपका यहां पर कानूनी मान्यता भी प्राप्त है। तो ये लोग क्यों एक से ज्यादा शादी नहीं करेंगे। आई होप कि आपको यह सब चीजें समझ में आ रही होंगी। इस रिपोर्ट को जो पेश किए हैं वो है आपके समीका रवि, अब्राहम जोश और आपके अपरू कुमार मिश्रा। इन तीनों ने मिलकर के इन धार्मिक आधार पर जो जनसंख्या बढ़ोतरी हुई है इस रिपोर्ट को उन्होंने पेश किया है। अब इसी बात पर कांग्रेस का मैनिफेस्टो के समय में याद आ जाता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि इस देश में सोना के साथ साथ औरतों के मंगलसूत्र का भी बंटवारा करेगी कांग्रेस, जबकि कांग्रेस ने यह कहा कि अगर बीजेपी की गवर्नमेंट भारत में आ गई फिर से तो सभी लोगों की रिजर्वेशन खत्म हो जाएगी। ये बहुत बड़ा, ये उलट पलट का जवाब, हेर फेर का जवाब नहले पर देना, ये कमाल। ये तो खैर रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा रिजल्ट में कौन किसकी जीत हुई किसकी हार हुई। हालांकि मैं
अकॉर्डिंग टू हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक एडवाइजरी जारी किया था कि भाई अगर किसी अल्पसंख्यक का अगर रेशियो 49% है और किसी बहुसंख्यक का आपका रेशियो 51% है, और ये सरासर गलत बात है कि 49% वाले ये कहे कि हम तो अल्पसंख्यक है और इस आधार पर हमें जो भारत की जो सेवाएं हैं, जो सरकारी सेवाएं, वो हमें भी मुहैया कराया जाए, ये बिल्कुल भी गलत बात है। यही बात को बीजेपी ने खुल करके कांग्रेस को, कांग्रेस की जहां जहां सरकार है वहां उन लोगों ने कहा कि भाई आप अगर मुसलमानों को सरकारी सेवाएं देना बंद नहीं करेंगे, रिजर्वेशन देना बंद नहीं करेंगे, तो आप एससी एसटी और ओबीसी का अपमान कर रहे हैं। जबकि कांग्रेस ने यह कहा कि अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो यह सभी का रिजर्वेशन ही खत्म कर देगी। अकॉर्डिंग टू हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद के अनुसार मुसलमानों की संख्या क्या देश में अल्पसंख्यक है? एकदम नहीं। 43.1% इन लोग की बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब इसकी दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला अगर कोई है तो वो मुसलमान है। इसका मतलब इन्हें रिजर्वेशन लेने का कोई हक नहीं है। अब इसी रिजर्वेशन को बचाने के लिए अकॉर्डिंग टू सर्वे के अनुसार मुसलमान बहुल जो क्षेत्र है वो ज्यादा से ज्यादा आकर के वोटिंग कर रहे हैं और हिंदू चौड़े में सोए हुए हैं। हिंदू का ग्रुप बटा हुआ है, हिंदू यादव है, हिंदू ब्राह्मण है, हिंदू राजपूत है, हिंदू शर्मा है, हिंदू बहुत कुछ है यार, और वो जाति के आधार पर ही अपने आप को वोट करता है। ये मेरा जाति का, वो हमर जाति का, वो हमर जाति का, इस प्रकार करके वो जातियों को अपने अपने तरीके से वोट डाल रहे हैं। वो अपने अनुसार, अपने स्वेच्छा के अनुसार जो कैंडिडेट उनके लिए बहुत अच्छा काम कर रहा हो, जो लोगों के दिलों में राज कर रहा हो, जो उनके हक की बात करता हो, उन्हीं को वोट देना चाहिए। जरूरी नहीं कि बीजेपी को ही दे, जरूरी नहीं कि कांग्रेस को ही दे, लेकिन आप वोट तो जरूर करें। ये क्या कि मुसलमान ज्यादा ज्यादा वोटिंग कर रहे हैं और हिंदुओं की जो जनसंख्या है, इतने बहुल जनसंख्या है, वो मात्र आपका 50% से भी कम वोटिंग कर रहे हैं। ये तो सरासर देश के साथ नाइंसाफी है, और बाद में यही कहोगे कि हमारे साथ तो नाइंसाफी हो रहे हैं। साथियों, अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।